और सब हम भी रुक अकेले नहीं है, गए। सभी हाँ अटक गए हैं। जी, और ये वायर्स मिल रहे थे ना, देखो हम बादलों से ऊपर, और इस वक्त बादलों से भी ऊपर हैं हम राइट नाउ। और देखो जूम करके दिखाता हूँ साइड में जो पहाड़ी है, ओ भाई वाओ, थोड़ी सी बहुत हिल रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज हमारा कश्मीर के अंदर थर्ड डे है, तीसरा दिन है आज हमारा। और दो दिन हम श्रीनगर रुके थे होटल इम्पैक्स के अंदर, ये हमारे पीछे होटल था, काफ़ी बढ़िया व्यू है। आसपास यहाँ बाहर घूमने की जगह भी थी, यहाँ पर हम रात को घूमते थे थोड़ा सा खाना खाने के बाद, है ना। अच्छी मेमोरी बनी ना यहाँ पर, पीछे देखो माउंटेन भी है, कितने अच्छे अच्छे माउंटेन्स हैं। फिलहाल हमारी कैब आ चुकी है, हम दोनों रेडी हो चुके हैं। ये मैडम जी ने पहने हैं वाइट वाइट ड्रेस और मैंने कलरफुल ड्रेस। और आज का प्लान कहाँ है हमारा जाने का? आज का प्लान है हमारा गुलमर्ग। आज हम गुलमर्ग जा रहे हैं जहाँ पर आई होप बर्फ़ पड़ जाए, कल तो काफ़ी अच्छी खासी बर्फ़ मिल गई थी, ठंड भी थी और दिशा को ठंड भी लग गई थी अच्छी खासी, और दो तीन बार फिसल भी गई थी। ये बताना ज़रूरी है यार। चलो कैब आ चुकी है हमारी, नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है हमारा, चलते वहाँ पर हम झूला भी झूलते एक दिन, है ना। एक दिन झूलते, एक रात को झूला झूलते बहुत ठंड में, इसकी जिद थी कि झूला झूलना है, मैंने कहा ठीक है चलो चलो फिर चलते हैं। हमारी कैब आ रखी है और फिर भैया से मिल के चलते हैं। तो निकल चुके हैं गुलमर्ग के लिए, कितना टाइम लग जाएगा अभी यहाँ से? एक डेढ़ घंटा लग जाएगा। बाकी आज का जो मौसम है थोड़ी गर्मी है और हर तरफ यहाँ पे मिलिट्री मिलिट्री रहती है 24 घंटे, जहाँ भी देखोगे हर कोने कोने पे मिलिट्री। पुलिस है? अच्छा पुलिस है, ड्रेस अलग है यहाँ पर। चलो चलते हैं आगे और ब्रेकफास्ट भी करना है अभी, ब्रेकफास्ट करके फिर आपसे मिलते हैं। तो हमें होटल से निकले हुए लगभग एक डेढ़ घंटा हो गया है और अब हम ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं, हमने जल्दी ब्रेकफास्ट नहीं किया था होटल में, हम यहाँ पर रुके हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है वैसे तो, अब लेट्स सी खाना कैसा होता है। प्लेट्स वगैरह आ चुकी है हमारी और ठंड है आज, लग होगी पर इतने सारे कपड़े, हाँ आज कपड़े बहुत पहने हैं, कल से सबक मिल गया ना, कल बहुत ठंड लगी, कल काफ़ी ठंड लगी थी किसी को। सीधा लंच ही कर रहे हैं हम, और लंच कर लेंगे तो पूरे दिन हमें खाने की जरूरत नीड नहीं पड़ेगी। और यहाँ पूरे आप कहीं भी देखेंगे कश्मीर के अंदर तो जो छत होती है ना वो इस तरीके से होती है ताकि इन पर बर्फ़ ना जमे। इंटीरियर तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, आई होप खाना भी अच्छा हो। तो भाई खाना तो आ चुका है गर्मा गर्म, राजमा चावल और दाल भी आनी बाकी है अपनी। टेस्ट लग रहा है? सही है। टेस्ट वाइज तो अच्छा लग रहा है मुझे भी। चलो इसको ख़त्म करते हैं फिर आपसे मिलते हैं। तो भाई खाना वाना तो खा लिया बट खाना तो ज़्यादा आ गया था, बहुत सारा बच गया, लेकिन मैंने स्टाफ को बोल दिया था, मैंने कहा बिल्कुल क्लीन है आप यूज़ में ले लेना अगर ले सकते हो तो। खाना तो ज़्यादा आ गया था क्वान्टिटी, है ना, कमोडर करना चाहिए था। चलो बैठो। और अब यहाँ के रास्ते देख लो, बहुत पतले पतले रास्ते हो गए और यहाँ पर इस तरीके के पेड़, इन पेड़ों का क्या नाम होता है इनका? पाई, पाइन ट्री। अच्छा, और ये जगह जगह आप हमें यही पेड़ मिल रहे हैं और बर्फ भी ऐसी मिल रही है रुई जैसी, ये रुई पड़ी हो। और हमने अपने शूज भी यहाँ पर साइड में रख दिए, हमने बूट्स पहन लिए, ये वाले फिसलने वाले ये आग बुझाते हैं ना जब तब पहनते हैं, तो ये मैं 200 रुपये के पेयर पड़े हैं रेंट पर। तो फाइनली आ चुके हैं गंडोला राइड के लिए और यहाँ पर ना बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। अभी यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं आपको मिस गाइड करने के लिए, तो उनकी बातों में मैं ना आकर हम तो वॉकिंग, ये घोड़े भी जा रहे हैं, घोड़े भी जाते हैं, बाकी वॉक पे भी आ सकते हो, ज़्यादा दूर नहीं है, वॉक पर आओ, मौसम अच्छा है, धूप भी है और अच्छा लग रहा है वॉक करके, है ना। कल घोड़े पे परेशान हो गए घोड़े पे यार, दो रीज़न है राइड ना करने के, एक तो यार उनको कष्ट पड़ता है हमारी वजह से, है ना, ऊपर से हमें ही पड़ता है, दोनों को पड़ता है, सही बात है। बाकी यहाँ पे बर्फ़ तो दिख रही है अच्छी खासी, ऊपर तो यार अच्छी खासी है, पर माउंटेंस दिखाता हूँ वो देखो। तो गंडोला फेस वन की राइड पे हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे इसके कितने लोग बैठे हैं? पता नहीं, वो तो 6 बोल रहे थे। और वैसे ये है राइड सारी, देखते हैं कि मेरे हिसाब से 4 लोग बैठे हैं, हाँ नहीं 5-6 भी यार, डिपेंड ऑन द ये बॉक्स कितना बड़ा बॉक्स मिलेगा हमको। तो भाई बैठ चुके हैं हम और 4 मेंबर्स बैठ चुके हैं, मज़ा आ रहा है। और भैया भी महाराष्ट्र से हैं, हेलो, और पहली बार एक्सपीरियंस है, ऐसे लग तो अच्छा रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, कैसा लग रहा दिसु? अच्छा लग रहा है, काफ़ी बढ़िया लग रहा है यार।
थोड़ी थोड़ी स्नो है वैसे, नीचे लोगों के पैरों के निशान भी दिख रहे हैं। इसका मतलब सीआईडी पता करो कौन आया था। आया तो होगा आपके जैसा ही। अच्छा, और आई थिंक पहला स्टॉप हमारा आने वाला है, फेस वन का पहला स्टॉप ऊपर वो मे बी एकदम से। और ये हमारा फेस वन यहाँ पर एंड हो रही है और यहाँ पर फेस टू स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ जाएंगे अभी हम उस वाली पहाड़ी पर। वाओ, चलो हमारा पहला स्टॉप आ चुका है। तो फेस वन के पहले स्टॉप पर रुक चुके हैं और यहाँ पर ब्रेक लिया है थोड़ा सा, और यहाँ पर कुछ एक्टिविटी वगैरह भी होती है लेकिन वो हमें करनी नहीं है। करनी है नहीं, कल हो गया, कल बहुत कुछ कर लिया, चोट भी लग गई है। चोट की चोट कैसी है? नहीं ज़्यादा तो नहीं है, हल्की सी कम लगी यार। और बाकी अब जाएंगे हम फेस टू की ओर, जो वहाँ पे देखो बिल्कुल ऊपर है, दिख रहा वो टॉप पे, टॉप पर वहाँ जाएंगे हम बिल्कुल एंड में। देखने में नज़ारा तो ज़बरदस्त लग रहा है, यहाँ फोटोज रील ले लेते हैं जो आपको हमारे इंस्टाग्राम पर देखने को मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना अगर आप आपने फॉलो नहीं किया है। और यहाँ पर ना सफ़ेद भालू भी घूम रहे हैं। तो फेस वन में कैसा लग रहा है? भाई वीडियो में बने रहना, अभी अगर आपने स्किप कर दिया ना बहुत कुछ मिस कर दोगे। ऊपर बर्फ ही बर्फ है, मज़ा आ जाएगा। ऊपर भालू दिखाऊंगा आपको वाइट वाइट। और फेस टू के लिए भी लाइन लंबी लग चुकी है, देखो वहाँ से लाइन लगी हुई है और पीछे तक लाइन लगी हुई है बिल्कुल, और हम खड़े हैं यहाँ पर। तो फाइनली हमने जंग जीत ली और सबसे आगे खड़े हो गए, हमारी बारी है। काफ़ी लंबी लाइन हमने क्रॉस की है और फाइनली हमारी बारी है, हमारी बकेट बोग आ रही है पीछे पीछे पीछे, रूफ कार बकेट बोल रहा था मैं, बकेट बकेट इसको, हाँ हमारी रूफ कार आने वाली है। जिससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है इसको यहाँ बैठना है, जो चीज़ बंद है ना उस पर वहाँ बैठना है, इसमें मज़ा नहीं आ रहा तो इस पर भी बैठना। अब आ चुके हैं अच्छी खासी हाइट पर और यहाँ पर स्नो स्नो है, चारों तरफ स्नो है आप देखो। तो अचानक से भाई रूफ कार अचानक से बीच में स्टक हो गई, अटक गई है, और ये शायद होता नहीं है नॉर्मली, है ना, नॉर्मली नहीं होता आई थिंक ये। और हम अकेले नहीं है, सभी अटक गए हैं। और ये वायर्स मिल रहे थे ना अभी, तो हम टॉप पर यहाँ पर अटक चुके हैं। लेट्स सी क्या होता है भाई, ये भी कोई टेक्निकल इशू होगा, किसी की किस्मत खराब है ना, सच में यार सारे झमेले हमारे साथ ही। आ चुके हैं पूरे टॉप पर और यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और काफी बढ़िया माहौल है, धूप भी निकली है, सफेद बर्फ भी है, माहौल काफी शानदार है भाई, मजा आ गया। और अब थोड़ा सा और ऊपर आ गए, बिल्कुल टॉप पर आ रखे हैं बादलों से भी ऊपर। और भाई यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, एक हाथ में ग्लव्स पहन रखा है, दूसरे हाथ में ग्लव्स नहीं पहन रखा, फिर ब्लॉक करना पड़ रहा है, लेकिन वो हाथ का ऐसा फील हो रहा है कि वो सुने है ही नहीं वो हाथ। और इस वक्त बादलों से भी ऊपर है राइट नाउ, और देखो जूम करके दिखाता हूँ साइड में जो पहाड़ी है वो भाई ज़बरदस्त, और दूर दूर से लोग आ रखे हैं, सब इन्जॉय कर रहे हैं यहाँ पर, सब लोग फैमिली के साथ रखे बैठे हैं आराम से। वाओ, और वहाँ जाने का मन कर रहा है, मैं अकेला होता तो मैं चले जाता, लेकिन दिशु की वजह से मुझे यहीं बैठना पड़ रहा है। तो चलो ना चलते हैं। नहीं उतरना बहुत डिफिकल्ट है यहाँ से, कोशिश करते हैं, बहुत स्लिपरी एरिया है, बट हाँ बहुत मज़ा आ रहा है सच में। और आप बिल्कुल टॉप पर आ चुके हैं, हाथ जम चुके हैं बुरी तरीके से, कैसा लग रहा है दिशु? अच्छा लग रहा है, हाथ कैसे, ओवर सर्दी है, ओवर यार मन कर रहा है उस वाली पहाड़ पर जाने का ना, चलो उड़ के जाएंगे। हाँ बादलों में, बादलों से भी ऊपर हैं इस वक्त हम, वो बादल उस साइड हैं, वो बादलों से ऊपर चल रहे हैं इस वक्त हम, बहुत सुंदर नज़ारा है सच में, एक बार आना चाहिए सबको ना इस जगह। तो भाई अपना सारा टूर कंप्लीट हो चुका है और अब जा रहे हैं हम नीचे, और थक गए ना काफ़ी, काफ़ी थक गए हैं, बाय बाय कर देते हैं हम वहाँ बिल्कुल टॉप पर। और सबसे अच्छी बात है मौसम अच्छा था आज, काफ़ी खिलखिलाती हुई धूप थी, चलो लगना तो पड़ेगा, मजबूरी है
भाई अब आ चुके हैं नीचे और अब जा रहे हैं अपने गाड़ी की तरफ। यार ऐसे घर होने चाहिए ना अपने, कितना मस्त लग रहा है, बहुत मस्त लग रहा है। ऐसे घर होना चाहिए यार, कितना मस्त लग रहा है। और एक ऐसा अपना पर्सनल ग्राउंड भी होना चाहिए जहाँ हम सारे स्पोर्ट्स खेल पाएँ। वाह यार, लेकिन बस ऐसी ठंड नहीं होनी चाहिए, इतनी ठंड पड़ रही है, लग रही है ना, खतरनाक ठंड है भाई। बट गुड एक्सपीरियंस, एक बार आ रहे हो इधर अच्छा रहा आज का दिन, तो एक गंडोला राइड जरूर करना। तो गुलमर्ग से निकलने के बाद अभी हम रुके हैं एक जगह पर, और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट की काफ़ी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, पर्स वगैरह हैं, कारपेट्स वगैरह हैं, सूट्स वगैरह हैं। और हमने शॉपिंग की है, एक शॉल शॉपिंग की है यहाँ पर, और ये शॉल काफ़ी बढ़िया भी लग रहा है, मम्मी जी ने लिया है। इसका प्राइस 1500 है, क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है वैसे। तो चले दीजिए, चलो चलते हैं, एक बार भी पैक कर दीजिए आप, चलते हैं। तो आज हमारा स्टे है बोट हाउस में, और इस बोट के थ्रू हम जाने वाले हैं अंदर। और ये हमारा लगेज है, लो भैया बहुत सेफ्टी के साथ चलना है, हम जा रहे हैं सीधा वहाँ पर, और सेफ्टी के साथ जाना, ठीक है। चलो के साथ है, चलो चलो चलो, वाह थोड़ी सी बोट हिल रही है। तो बैठ चुके हैं बोट के अंदर, और ठंड तो काफ़ी हो रही है। अब बोट हाउस की तरफ जा रहे हैं, काफ़ी सारे बोट हाउस हैं, और किसी हाँ, और अपनी बोट भी मोटर वाली है, तो हाथ वाली नहीं है, हम दोनों अकेले बैठे हैं। और ये पानी को छू के देख रही है, ठंडा होगा पानी तो पूरा। बट ओवरऑल मज़ा आएगा ना, मज़ा आ रहा है, मछलियाँ भी हैं इसके अंदर, तुम्हारा हाथ खा जाएंगी। वाह नज़ारा काफ़ी बढ़िया है भाई, हालांकि रात को दिख नहीं रहा है इसमें, बट बहुत बढ़िया है, सुबह दिखेगा। और मैं आपको बता दूं, सुबह हम सितारा राइड है, हम सितारा राइड पे निकलेंगे, एक घंटे की सितारा राइड होती है, और घूमेंगे, और हाँ मज़ा आने वाला है, मतलब कल का वीडियो देखना भूलना। और जो हम बोट हाउस पर जा रहे हैं वो भी आपको कल मैं आपको दिखाऊँगा, पूरा टूर कराऊँगा। फिलहाल इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ यहाँ पर, मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग के अंदर, बाय बाय बोल दो।